गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंजीनियरिंग एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का सभी का। जुड़ेंगे स्टूडेंट सभी जल्द से जल्द। आप सभी लोगों को ज्ञात है जो हमारा स्लॉट चल रहा है स्टील स्ट्रक्चर, यहाँ पर तो बहुत सी क्लास हम ले चुके हैं स्टील स्ट्रक्चर का। जो लोग कंटिन्यूटी में जुड़े हैं, जो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे स्टूडेंट ब्लॉक शियर फेलियर की बातें हो रही थी, जहाँ पर ब्लॉक शियर फेलियर क्या होता, केवल अभी बेसिक चीज़ें हमने जानी है कि ब्लॉक शियर फेलियर कहाँ पर देखने को मिलेगा, और दूसरा कंडीशन बात किया जाए कि ब्लॉक शियर फेलियर के लिए किस तरह से हम उस ज्वाइंट को बचाएंगे, उसका स्ट्रेंथ किस हिसाब से हम प्लेट को देंगे, किस हिसाब से हम ब्रिज, अगर ब्रिज मेंबर पर इसको यूज किया जा रहा है तो वहाँ पर किस तरह से यूज करेंगे। तो जल्दी से स्टैंड लाइव आएंगे, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर का, तो जल्दी से बनेंगे। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, ज़्यादा समय न लेते हुए कि हाँ गुड मॉर्निंग सभी का। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं ब्लॉक शियर फेलियर की। जब हम कल देख चुके थे कि ब्लॉक शियर फेलियर में एक्चुअली में किस तरह से, मैंने आपको डायग्राम के बेस पे भी ध्यान से आपने देखा था कल के लेक्चर, जो लोग देख पाए थे लास्ट टाइम पर हमने बात की थी कि आपका जो ब्लॉक शियर फेलियर है कि मतलब क्या होगा, तीन तरह का फेलियर अगर हमने बात की थी। फर्स्ट फेलियर था आपका शियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, ठीक है। बोल्ट के जो फेलियर था हम जान चुके थे, आपका टियरिंग फेलियर, बियरिंग फेलियर, ये सारे चीज़ें हम स्ट्रेंथ निकालना हमने सीखा था कि बियरिंग में कैसे स्ट्रेंथ निकालते हैं। बोल्ट की मैं बात करूं, बियरिंग में कैसे निकालें, शियरिंग में कैसे निकालें, उन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू हो रही थी, लिस्ट वैल्यू हो रही थी, उसको हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कह रहे थे। लेकिन प्लेट की स्ट्रेंथ की बात किया जाए स्ट्रेंथ, तो प्लेट आपका फेलियर या तो बियरिंग में हो सकता है, सॉरी, या शियरिंग में हो सकता है, या बियरिंग में ग्रॉस यील्डिंग के कारण हो सकता है, या आपका सेक्शन रप्चर के कारण हो सकता है। सेक्शन रप्चर आपका टेंसाइल फोर्स बड़ा होगा, टियरिंग स्ट्रेंथ कम रही होगी, प्लेट पर जो टेंसाइल फोर्स आएगा ज़्यादा और टियरिंग स्ट्रेंथ रही कम, तो रप्चर फेलियर देखने को मिलता है। ऐसी तरीके से हमने तीन तरह का फेलियर शुरुआत की थी, एक शियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, तो उस पर अगर आपका एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस अगर सफिशेंट आप बढ़ा दें, अच्छा रखें, सफिशेंट उसमें रखें, डिस्टेंस में रखें, तो आपका शियरिंग फेलियर बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा आपका बात किया था प्लेट कर क्रॉस यील्डिंग, ठीक है ना, या यील्डिंग फेलियर, और यील्डिंग स्ट्रेंथ कैसे देंगे वो भी हम जान चुके थे। नेक्स्ट आपका रप्चर फेलियर, जो आपका प्लेट को देखने उसके लिए कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए ये भी हम देख। लेकिन आज जो नई बात हमने कही थी, जब हमने बात भी की कल की क्लास में, कि ब्लॉक शियर फेलियर को जो मैंने डायग्रामेटिक आपको सिखाया था, ध्यान से समझना कि जो ब्लॉक शियर फेलियर था, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्लास के लिए ब्लॉक शियर फेलियर को समझने के लिए, इसलिए आपको देखना वो जरूरी है, ठीक है ना। बहुत समय इसमें लगाए थे हम कि जो ब्लॉक शियर फेलियर आप देख पा रहे थे, वहां पर जो मैंने आपको फेलियर सेक्शन दिखाया था प्लेट का, उसमें रिवेट आपका सेफ है, केवल आपका क्या हो रहा है कि प्लेट जो है, प्लेट का फेलियर देखने को मिल रहा था। मैंने आपको डायग्रामेटिक दिखाया है, पूरा का पूरा फील कराया है, एनालाइज कराया है, ठीक है। तो एनालाइज करना ही यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखो बात करें अगर ब्लॉक शियर फेलियर का, मैंने एक लाइन लिखा है आज की क्लास के लिए, यहाँ पर देखो शुरुआत किया हमने, ब्लॉक शियर फेलियर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यील्डिंग एंड रप्चर। तो ब्लॉक शियर फेलियर क्या देखने को मिलता है, ये साइमल्टेनियसली इफेक्ट है। हमने एक फेलियर देखा जस्ट पहले, हमने कल की क्लास में देखा था, एक रप्चर फेलियर होता है, एक ग्रॉस यील्डिंग होगा, पूरे फेलियर देख, पूरी डिफॉर्मेशन आएगा प्लेट में, या आपकी बात किया जाए रक्चर रप्चर, किसी नेट एरिया पर रप्चर होता है, नेट सेक्शन एरिया पर। अब यहां पर जो ब्लॉक शियर फेलियर है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो आपका जो ब्लॉक शियर फेलियर देखने को मिलेगा, दिस इज द साइमल्टेनियसली और कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ द रप्चर और यील्डिंग। ये जो देखने को मिलेगा, यील्डिंग भी अगर और रप्चर भी प्लेट सेक्शन में, दोनों अगर साइमल्टेनियसली इफेक्ट करेंगे, तब जाके देखने को मिलेगा आपको ब्लॉक शियर फेलियर। और ब्लॉक शियर फेलियर का मैं डायग्राम आपको दिखा चुका हूं कल के क्लास में, भले हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, उससे ज्यादा फील आएगा। ब्लॉक शियर फेलियर का क्वेश्चन किस तरह से इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ स्टूडेंट, उस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। तो बात करते हैं मैंने क्या लिखा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यील्डिंग एंड रप्चर, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यील्डिंग एंड रप्चर। ब्लॉक शियर फेलियर ऑफ प्लेट अकर्स अलोंग अ पाथ इन्वॉल्विंग टेंशन ऑन वन प्लेट
एंड सीयर ऑन अनदर प्लेट। अब ये कैसे, क्या कंडीशन है ये रप्चर और यील्डिंग कब आती है? यील्डिंग आपका सीयरिंग के कारण आती है, जबकि रप्चर की बात किया जाए तो टीयरिंग के कारण आती है। तो दो तरह का फैक्टर यहाँ पर काम करेगा। एक बात करूँ मैं यहाँ पर ध्यान से समझना, एक टेंशन का क्रिएट होगा और एक सीयर का इफेक्ट होगा। लेकिन प्लेट पर आप लोड देखें, इसको मैं इस डायग्राम से भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका फोर्स है, दिस इज द टीयरिंग फोर्स और टेंसाइल फोर्स। इस फिगर में आप देखें तो टेंसाइल फोर्स है। इस टेंसाइल फोर्स का जो इफेक्ट आएगा, एक आपको दिखेगा टेंशन प्लेन। इस फिगर को समझना, एक टेंशन प्लेन इसको कहा जाता है, ऑब्वियसली टेंशन प्लेन होगा ये। और इसके पैरेलल में जो दिखेगा, इस सेक्शन के पैरेलल में यहाँ पर ये वाला जो है प्लेन, ये वाला है हॉरिजॉन्टल शियर प्लेन। दो प्लेन में हम काम करते हैं, दिस इज द शियर प्लेन एंड दिस इज द टेंशन प्लेन। ठीक है, तो ध्यान से समझना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन हटाया तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये WSM जो आपका मेथड है वो थोड़ा इजी वे में पड़ता है, जो आपका LSM के मेथड है ये थोड़ा सा टफ वे में पड़ता है। क्यों? इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इतना रटना नहीं है फॉर्मूला। एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा करके समझ रहे हैं कि टेंशन के लिए कैसे वो फॉर्मूला लग रहा है वो, तो फिर आप यूज भी करना आप समझ पाओगे। लेकिन बिल्कुल भी अगर कॉन्सेंट्रेशन हटाया तो सारा का सारा थ्योरी खत्म हो जाएगा, आपको याद ही नहीं हो पाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, तो समझते हैं स्टूडेंट कि जो ब्लॉक शियर फेलियर है आपका दूसरे प्लेन में, एक प्लेन में तो आपका टेंशन डेवलप होगा ये दिख रहा है आपको, दूसरे परपेंडिकुलर प्लेन में आपको शियर डेवलप होगा। मैंने लिखा है ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन अलोंग द फास्टनर, ठीक है, रिबेट और सॉरी बोल्ट। अब आते हैं कि ये जो ब्लॉक शियर फेलियर हो रहा है, अब आते हैं मेन कहानी पर, जो हमारा काम करेगा, ये जो हमें मदद देगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें। ब्लॉक शियर फेलियर पर जब क्वेश्चन आए कि हाँ चेक करिए ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, तो ब्लॉक शियर फेलियर हो रहा है, इस फेलियर के लिए आपको रेजिस्टेंस देना है, वही आपकी ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ होती है। अगर मैं कहूँ ये जो स्ट्रेंथ है TDP, दिस इज द ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, अगर ये जो है, अगर लोड जो आ रहा होगा टीयरिंग और शियरिंग दोनों लोड का जो इफेक्ट होगा उससे ज़्यादा होगा तो हमारा फेलियर जो होगा नहीं होगा। ये आपकी स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है शियर लोड से और टीयरिंग लोड से तो आपकी फेलियर नहीं होगा, आपकी सेफ है प्लेट, यही तो होगा। चलो तो यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट कि किस तरीके से हम आगे काम करें। पहला कंडीशन मैंने आपका दो पॉइंट यहाँ पे लिखाया था कि यहाँ पर एक यील्डिंग का इफेक्ट होगा और एक रप्चर का इफेक्ट होगा। जस्ट पहले हमने कल की लास्ट क्लास में देखा है, क्या कुछ अलग से मैं काम नहीं करा रहा हूँ, सारा का सारा लिंक ही करा रहा हूँ। कल का आप जरूर क्लास करेंगे, क्लास जरूर देखेंगे कल का, क्योंकि मैंने ब्लॉक शियर फेलियर को वहाँ पर भली भांति से सिखाया है कि किस तरह से ब्लॉक शियर फेलियर। अब यहाँ पर देखो, बस यहाँ पर आपको समझना है कि यील्डिंग और रप्चर के कारण हो रहा है, तो दोनों को दोनों तरीके से हम अगर स्ट्रेंथ बढ़ाएं, दोनों तरीके से अगर हम स्ट्रेंथ बढ़ाएं तो हमारा सेफ हो जाएगा ना। देखो क्या क्या मैंने कैसे फॉर्मूला, ये था आपका यील्डिंग इफेक्ट और ये था नेट इफेक्ट। लेकिन ये कौन सा प्लेन है, प्लेन भी आपके दो हो रहे हैं, एक शियर प्लेन हो रहा है एक प्लेन प्लेन। देखो क्या लिखा है, शियर यील्डिंग एंड टेंशन रप्चर। यहां पर शियर का यील्डिंग इफेक्ट है और टेंशन का रप्चर इफेक्ट है, समझ रहे हो, रप्चर और यील्डिंग में डिफरेंस। यील्डिंग का मतलब केवल डिफॉर्मेशन हुआ है, रप्चर का मतलब फेलियर हो रहा है, क्रिटिकल ज्यादा होता है रप्चर कंडीशन। ओके नेक्स्ट, यहां पर फिर से क्या कर दिया मैंने, 0.FU FE, ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कौन सा फील आ रहा है, ये आ रहा है आपका रप्चर वाली कंडीशन। ये AVN क्या होता है और ATN क्या होता है, AVG क्या होता है, मैं पढ़ दे रहा हूं यहां पर, FU AVG upon √3 gamma naught 0.9 FU into ATN upon gamma 1, this is the condition for shear yielding and tension rupture. Okay, पहला condition. Second, 0.9 FU into AVN upon 0.3 gamma M1 plus FY ATG upon gamma M0. This is the shear rupture and tension yielding. क्योंकि ये क्यों कर रहा हूँ, हमारे पास दो प्लेन है, दो प्लेन के हिसाब से फेलियर देखने को मिल रहा है। कल फिगर भी देख सकते हैं आप, शियर प्लेन और टेंशन प्लेन, और दूसरा चीज ये इफेक्ट किसका है, यील्डिंग और टेंशन। तो दोनों से हमें स्ट्रेंथ के लिए बचाना पड़ेगा, ये तभी तो हम ऐड कर रहे हैं। एक कहीं आपका यील्डिंग का भी हो रहा है और आपका रप्चर का भी हो रहा है, यहाँ पर रप्चर का भी हुआ यील्डिंग का भी हुआ, वो डिपेंड करेगा कौन सी चीज में। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ दिस इज द शियर रप्चर, दिस इज द शियर यील्डिंग, तो
तो दोनों तरीके से हमने परफेक्टली LSM से ने LSM जो मेथड है हमारा बहुत ही परफेक्टली दिमाग लगा के इन लोगों ने ब्लॉक्स स्ट्रेंथ दिए कि इतना स्ट्रेंथ होना ही चाहिए। ठीक है चलो अब आते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर ये ATG ABN क्या है, यहीं पर कहानी अटकता लोगों का। बोले आपका अभी मैं जो लिखा रहा हूँ ये बस समझना है, केवल एक एक पॉइंट को बस समझना है, इसका ज्यादा फील आएगा स्टूडेंट कि ATG क्या होता है, ABN क्या होता है। ABG मैं लिख रहा हूँ, ATN लिख रहा हूँ, ATG लिख रहा हूँ, ATG के बाद ATN, ये सारी इन पे डिपेंड कर रहा है ना ये सारी चीजें। ये तो आप कल भी फॉर्मूले पढ़ पा रहे थे, ये ग्रॉस एरिया AN नेट एरिया ये तो पढ़ पा रहे थे कल भी, लेकिन ATN ये अलग अलग नाम क्यों हुए हैं ये अभी आपको समझ आ जाएगा। बस मैं अभी लिखा रहा हूँ आपको, केवल समझ पा रहे हैं आप, लेकिन इसका ज्यादा फील आएगा स्टूडेंट आपको जो मैं क्वेश्चन कराऊँ। ऑब्वियसली मैं कराऊंगा 100% गारंटी के साथ, ब्लॉक शेयर पर क्वेश्चन कराया जाएगा आपको, उस ब्लॉक शेयर फेलियर का जो क्वेश्चन होगा उससे ज्यादा फील आएगा कि है क्या ये ATG ABN ये सारा चीज। फिर भी आप केवल यहां पर समझो कि जो AVG है, देखो मैंने कैसे लिखा है, AVG AVN दिस इज द मिनिमम ग्रॉस, AVG जी फॉर ग्रॉस मिनिमम ग्रॉस, एन वी एन एन फॉर फिलिंग आर नेट एरिया, तो AVG और AVN इज द मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरिया इन शियर प्लेन, शियर अलोंग अ लाइन ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स। देखो आप ध्यान से, आपका फोर्स ट्रांसमिटेड इस लाइन में हो रहा है, दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स, एंड इसी प्लेन में आपका शियर डेवलप हो रहा है, तो यही की बात कर रहा हूं। AVN उसी में है और AVG भी उसी में है, एक ग्रॉस एरिया है और एक नेट एरिया है, ध्यान से समझना उसने। AVG और AVN दोनों आपके शियर प्लेन में है, इस प्लेन की बात कर रहा है। एरिया निकालना मैं सिखाऊंगा आपको कैसे निकाल, बस अभी आप समझो केवल, ओके। लेकिन ये शियर प्लेन में है, अलोंग टू ट्रांसमिटेड फोर्स ये लिखा है, क्लियर। दूसरा ATG और ATN क्या है, दिस इज द मिनिमम ग्रॉस एरिया, मिनिमम ग्रॉस ATG जी फॉर ग्रॉस और TN फॉर ATN, ATN N फॉर नेट, नेट एरिया इन टेंशन प्लेन फ्रॉम द होल टू द टॉय ऑफ द एंगल और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स। ये ज्यादा इजी हो रहा है, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स ये है और इसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है, दिस इज द टेंशन प्लेन, और टेंशन प्लेन में ही जो एरिया कह रहा है, एक ग्रॉस एरिया और एक नेट एरिया, दोनों के साथ हम इफेक्ट काम करते हैं। अब यहां पर देखो बस इतना ही आपको फील लेना था कि है क्या ये चीज, अब इसका ज्यादा फील हम दिलाएंगे आपको क्वेश्चन में कि ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ के निकालते कैसे। इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि आप ATG क्या था, ये तो इंपॉर्टेंट था ही बेसिकली कि समझना था ही, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट जब इस पर क्वेश्चन आता है और हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें ABG निकालना ही नहीं पता होता, बस समझ लिए होते हैं बस सिंपल सा कि ABN आपका क्या है, ग्रॉस एरिया है शियर वाले प्लेन में, AVN बोला गया तो शियर वाले प्लेन में आपका नेट एरिया है, ATG बोलो तो ग्रॉस एरिया है टेंशन वाले प्लेन में, ATN बोलो तो नेट एरिया है टेंशन वाले प्लेन, ये बस इतना समझा होता हमने। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं किया ना आपने तो कोई फायदा नहीं होता, आप क्वेश्चन करना जरूरी है, ओके। तो हम क्वेश्चन कराएंगे आपको तो वहां से ज्यादा फील आएगा। तो यहां पर स्टूडेंट आपकी ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ की कहानी हो जाती है खत्म। ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं आप, इस कंडीशन को निकालेंगे, पहला कंडीशन ये है शियर यील्डिंग और टेंशन रप्चर, यहां से कैलकुलेट कर दोगे आप एक वैल्यू ये आएगा, और एक कंडीशन ये है शियर रप्चर एंड टेंशन यील्डिंग, इन दोनों कंडीशन में जो मिनिमम होगा वो होगा आपका TDP, दिस इज द ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, ये होगा आपका ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ कि इतना स्ट्रेंथ अगर है, और ये आपका डिजाइन टेंसल फोर्स TDP या TB बोल दो इसको, ब्लॉक शियर डिजाइन फैक्टर शियर फोर्स TB बोल दो, इन दोनों में से अगर ये कम है तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा प्लेट, प्लेट आपका सेफ है, ओके। तो चलते हैं इस पर, आप ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, जितने का इसमें जरूरत था ये आपको, मैं आपका मेन जो पार्ट था ये वाला था, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ फॉर द प्लेट, ओके। तो यहां पर हम इसको रफ कर दे रहे हैं, अब इतना ही जरूरत था इसका। अब आते हैं हमारा कि जब हमने चार तरह का फेलियर सीख लिया है, चारों का स्ट्रेंथ हमने निकालना है, शेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए तो केवल एज डिस्टेंस रख रहे थे, एक सेक्शन यील्डिंग फेलियर देख रहे थे, सेक्शन रप्चर हो गया, ब्लॉक शेयर फेलियर होगा, अब क्या करेंगे, अब क्या होता है लास्ट, बहुत कुछ है अभी तो। चलो नेक्स्ट हमारा कंडीशन होता है, अब यहां पर आपको थोड़ा सा रिबेट्स को याद करना है, रिबेट को याद दिलाना है दिमाग में, जब हम टोटली स्ट्रेंथ निकाल रहे थे शायद आपको याद हो क्या कर रहे थे, हम पहला निकाल रहे थे हम
शेयरिंग स्ट्रेंथ, रिबेट को याद करो जल्दी से, रिबेट में याद करेंगे, एक शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल रहे थे, एक टीयरिंग स्ट्रेंथ निकाल रहे थे, एक बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल रहे थे, और उसके बाद हम रिबेट वैल्यू इस तरीके से सब कुछ याद आपको। लेकिन लास्ट करना क्या होता आपको जब डिजाइन में यूज करें, लास्ट आपको एफिशिएंसी निकालना हो रहा था ज्वाइंट का। ज्वाइंट का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या कर रहे थे आप न्यूमिरेटर में लिख रहे थे कि जो पीबी होगा, डिजाइन स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ और डिजाइन टीयरिंग स्ट्रेंथ, इनमें से मिनिमम लिस्ट वैल्यू, ओके, अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100। यही करते हैं क्या? ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला हो गया, आपने रिबेट में बहुत मेहनत करी है आपने, ओके okay? तो यही सेम हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रहता है अब कि किस तरह से हम एफिशिएंसी निकालें ज्वाइंट। ऑब्वियसली बोल्टेड ज्वाइंट भी जो होगा कुछ ना कुछ एफिशिएंसी दे रहा होगा, तो कैसे वो एफिशिएंसी हम पता करते हैं, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, देखते हैं अब। एफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट, ठीक है ना, बोल्टेड ही पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, लिखने की जरूरत भी नहीं थी, ये बोल्टेड ज्वाइंट, बस एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट लिखना था मुझे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट, इट इज डिनोटेड बाय ईटा, ये तो जानते ही आप, दिस इज डिनोटेड बाय ईटा, ओके। तो ईटा कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है क्या, कभी भी आप जब एफिशिएंसी निकालते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी मशीन का, किसी भी ज्वाइंट की बात करूँ मैं, तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, स्ट्रेंथ हो गया आउटपुट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन अपॉन, अच्छा इनपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा, ऑब्वियसली कोई भी प्लेट मेंबर है, ये है प्लेट मेंबर, इस प्लेट मेंबर पर इनपुट क्या रहा होगा, इनपुट तो यही था ना, ये थी जो सॉलिड प्लेट, इनपुट तो यही था, कुछ नहीं किया था जब आपने प्लेट पर, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया था, ये तो था इनपुट, इसकी कुछ थिकनेस रही होगी, कुछ विड्थ रही होगी इसकी, ठीक है ना, कुछ इसमें स्ट्रेस लग रहा होगा, टीयरिंग स्ट्रेस, इनिशियल कंडीशन में, इनपुट की कंडीशन की बात कर रहा हूँ। आउटपुट में जब आपने क्या किया, इसमें होल किए, दूसरी प्लेट को कनेक्ट किया, उसके बाद उसकी चेक कर रहे हो आप स्ट्रेंथ को, ठीक है ना, तो ये बात कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, मतलब कि कुछ ना कुछ आपकी स्ट्रेंथ को है, आउटपुट में तो स्ट्रेंथ हो गया ना, इसके इनिशियल कंडीशन के बाद जो कंडीशन हुई है, ओके। नेक्स्ट बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, इसको क्या कहेंगे आप, ये तो ही होगा इनपुट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, सॉलिड प्लेट का मतलब बिल्कुल भी अभी होल नहीं किए गए, इनटू अगर हम 100 कर देते हैं तो ये हो जाए, ये काम आप कर चुके हैं एक्चुअली, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब यहाँ पर कहानी अटकती है स्ट्रेंथ, तो अटकती है कि स्ट्रेंथ ऑफ जो बोल्टेड कनेक्शन लेंगे वो क्या लेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत सी चीज़ें अलग भी हो रही है, ये फॉर्मूला तो ठीक है बिल्कुल आपको रिबेट की तरह दिखा, लेकिन यहाँ पर मैं अगर आपको पूछूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ बताइए बोल्टेड कनेक्शन, तो बताओ आप क्या दिक्कत है, एक सेकंड में आप बता दोगे, सर कुछ नहीं है बोल्टेड कनेक्शन में, हमने क्या किया सर, पहले किया था हमने वीडीपी निकाला था, ध्यान से देखना स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर सर हमने वीडीपी निकाला था एक, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, सर हमने फिर टीयरिंग स्ट्रेंथ निकाला था ग्रॉस यील्डिंग जब हो रहा था, ओके। नेक्स्ट सर हमने एक टीडीएन भी निकाला था, सर याद आ रहा है मुझे, एक TDN भी निकाला था, और लास्ट में एक अभी अभी सर हमने निकाला था TDP नाम करके, ओके, एक TDP नाम करके हमने निकाला था, ठीक है। अब यहां पर स्टैंड आपका कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि एक TDP है और एक NDB है, ठीक है ना, एक तो हो गया आपका VDB, तो VDB और एक आपका है TDB, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। अब देखो स्ट्रेंथ, पहला चीज मैं बात करूं कि किस तरह से आप इसका स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन कैसे निकालते हैं, किसी पर भी ये फेलियर हो सकता है, पहला चीज तो ये है। देखो अगर हम बात करें, शुरुआत में मैंने आपको लिखाया था, आपको याद हो शायद, कि जब हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड निकाल रहे थे, वीडीबी जब निकाल रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, डिजाइन वीडीएसबी निकाल रहे थे, वीडीएसबी डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड, और वीडी
पी भी याद है क्या, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड, इनमें से जो मिनिमम हो रहा था उसको। लेकिन आपको याद हो स्टूडेंट, हमने जितने भी फॉर्मूले ये बनाए हैं, मैं शेयरिंग की बात करूं या बियरिंग की बात करूं, ध्यान से समझना इस चीज को, शेयरिंग की बात करूं या बियरिंग की बात करूं, ये जितना भी मैं मेहनत कर रहा हूं ना स्टूडेंट, ये आपको सारा हेल्प करेगा। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको इंजीनियरिंग सर्विस के कन्वेंशनल क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि जो वीडीबी है ये था डिजाइन स्ट्रेंथ ओनली ऑफ बोल्ट, बोल्ट का डिजाइन स्ट्रेंथ, बोल्ट की स्ट्रेंथ। तो बोल्ट की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, इन दोनों में जो लिस्ट वैल्यू होगा। लेकिन आपको याद हो स्ट्रेंथ, इन पर मैंने जो आपकी स्ट्रेंथ निकाली थी, क्या ये रिबेट लाइन एक के लिए गया, नंबर ऑफ रिबेट किसके लिए था, ये एक के लिए, जरूरी थोड़ी है कि एक ही रिबेट लाइन हो। आप देख सकते हो फॉर्मूले में जितने भी फॉर्मूले लिखा है, वन रिबेट के लाइन का लॉन्ग हो रहा था वो सारा। और आप देख भी सकते हैं कि रिबेट वैल्यू भी है, एक्चुअली में बोल्ट वैल्यू भी है, ये क्या है, ये बोल्ट वैल्यू भी है, सॉरी रिबेट वैल्यू नहीं, बोल्ट वैल्यू, सिंगल आपका रिबेट के लिए दोनों जो आप स्ट्रेंथ निकालते हो शेयरिंग, अभी ये बोल्ट वैल्यू भी है, इसको बोल्ट वैल्यू भी कहा जाता है। तो ये काम थोड़ी हुआ है कि पूरा, जब आप कह रहे हो कि पहले आपने जो डिजाइन स्ट्रेंथ निकाली बोल्ट की, पहला बोल्ट को चेक किया आपने, तो इसमें मैं अगर एन टाइम्स ऑफ वीडीबी कर दूं तो काम हो गया क्या, जितने भी बोल्ट हैं सारे की स्ट्रेंथ हो गई है, एन टाइम्स ऑफ वीडीपी, दिस इज द वीडीबी जो था यहां पर। आप कल भी देख चुके थे लास्ट क्लास में कि जो वीडीबी था ये डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड था, ये कैसे निकालते थे, लेकिन ये एक का था, एन टाइम्स कर दो तो सबका आ गया ये बोर्ड का, पहला काम शांत समझना, पहला काम। अब बोर्ड को तो हमने बचा दिया, बोर्ड की स्ट्रेंथ तो ठीक है दे दिया हमने, पहला काम। अब प्लेट पर जब आए हम, क्योंकि ज्वाइंट की बात हो रही है भाई, बोल्टेड कनेक्शन ज्वाइंट की बात हो रही है, यहां पर प्लेट भी हो जाता है, और ज्वाइंट में दो चीजें हो जाती है, प्लेट भी और बोल्ट भी, तो किसी से भी फेल हो सकता है, ओके। प्लेट की जब हमने देखा, ग्रॉस यील्डिंग की बात की, तो ग्रॉस स्ट्रेंथ जो थी आपकी, ग्रॉस यील्डिंग स्ट्रेंथ टीडीजी था क्या, ये भी आप जानते हैं। टीडीएन क्या था आपका, नेट रप्चर जो हो रहा था प्लेट के लिए, तो वो भी आपको चेक करना था, कहीं रप्चर में फेल तो नहीं हो रहा है, ब्लॉक शियर तो नहीं हो रहा था, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ देखा। इन सभी में से अगर मैं कहूं कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगा आपका, इन सभी में से वन टू थ्री फोर, तो ये होगा स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, ये क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन होगा स्ट्रेंथ, ठीक है, यही होता है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। इस तरह से हम स्ट्रेंथ निकालते हैं बोल्ट कनेक्शन की, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ओके। तो यहां पर अब स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कनेक्शन ये है, आपने कहा कि सर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कनेक्शन ये है, तो आप मुझे बताइए कि जो ये सॉलिड यहां पर एन जो है नंबर ऑफ बोल्ट है, नंबर ऑफ बोल्ट्स, ओके। अब यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या रखूं मैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, क्या दिक्कत है भाई सॉलिड प्लेट में निकालने का, बोलो जरा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, व्हाट विल बी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब यहां पर ध्यान रखना एक चीज, मैं इंपॉर्टेंट में लिखा दे रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इज ऑलवेज गवर्न्ड बाय यील्डिंग, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इज ऑलवेज गवर्न बाय यील्डिंग, ओके। तो हमारा जो एक्चुअली में बात किया जाए अगर सॉलिड प्लेट की, तो हमेशा हम क्या मान के चलते हैं कि जो आपकी सॉलिड प्लेट है, टोटल प्लेट की बात हो रही है, तो यील्डिंग के कारण आपके फेलियर होने के ज्यादा, पहले हम यील्डिंग से बचाते हैं, वहीं से हम चेक भी करेंगे। तो सॉलिड प्लेट जो है हमारी गवर्न, देख लिखा भी है मैंने, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इज ऑलवेज गवर्न बाय यील्डिंग, यील्डिंग के बेस पर ही हम करेंगे। अब यील्डिंग हमको पता लग गया, क्योंकि दो चीजें हमारे दिमाग में रहती है, एक यील्डिंग और एक रप्चर, एक टीयरिंग का इफेक्ट, एक शेयरिंग का इफेक्ट। तो इस रियरिंग यहां पर ज्यादा क्रिटिकल जो हमारी सॉलिड प्लेट है वो गवर्न हो रही है यील्डिंग से, तो यील्डिंग का तो फॉर्मूला आपको याद है ना, यील्डिंग के लिए टीडीजी होता था क्या, हो टीडीजी से ही चेक करना होता है, कुछ नहीं है। तो टीडीजी इज इक्वल टू क्या होता था, स्ट्रेंथ है ये, तो फोर्स इंटू एरिया, सॉरी फोर्स इंटू फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, ये स्ट्रेस था एफ वाई, यील्डिंग की बात हो रही है तो यील्ड स्ट्रेस, और एरिया क्या होता था पूरी प्लेट का, ग्रॉस एरिया, और इसमें हम क्या लेते थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, गामा एम नॉट, याद है क्या, याद ही होना चाहिए। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है,
स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट जो निकालेंगे, स्ट्रेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सॉलिड प्लेट का कैसे निकालेंगे, तो यील्डिंग के लिए गवर्न होती है हमारी सॉलिड प्लेट, एफ वाई यील्ड स्ट्रेस रखा, ग्रॉस एरिया पर ही हम लेंगे क्योंकि टोटल सॉलिड प्लेट की हो रही है, ग्रॉस एरिया लेंगे यहाँ पर अपॉन गामा एम नॉट, और गामा एम नॉट का वैल्यू आप जानते ही हैं कितना लेते हैं, ठीक है ना, तो गामा एम नॉट का वैल्यू मैंने आपको लिखा रखा है सब कुछ। तो ये चीजें स्टूडेंट आपकी इतना पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट था करना, गामा एम नॉट का वैल्यू 1.1 होता है, ठीक है ना, जानते हैं आप गामा एम वन कितना लेते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है 1.1, ठीक है। तो यहां से आप स्टैंडिंग बोलेंगे सर यहां तक क्लियर है, यहां तक कुछ है क्या, हमने सारा का सारा कवर कर दिया, अब आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है क्वेश्चन में, हमने पूरा का पूरा ग्रिप क्लियर कर दिया कि क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत, हाँ एक फॉर्मूला अभी भी है, दो फॉर्मूले हैं, मैं नोट में भी लिखा दूंगा, बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं उनके मैं बात करूंगा अभी, एक अनविंस फॉर्मूला है, जानते भी हैं आप अनविंस फॉर्मूला को, और एक दूसरा फॉर्मूला जब आपका जो कनेक्शन है शेयरिंग और टेंशन में दोनों में साइमल्टेनियसली इफेक्ट कर रहा हो उसके लिए एक रिजल्टेंट हम चेक करते हैं, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन जनरली जितना भी क्वेश्चन बनता इतने फॉर्मूलों पर ही बनता है, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ, दोनों में से लिस्ट हुआ आपका डिजाइन बोल्ट स्ट्रेंथ, नेक्स्ट आपकी प्लेट पर बात होती है, तो प्लेट के लिए आपका यील्डिंग के लिए, ग्रॉस यील्डिंग के लिए चेक होता है, नेट यील्डिंग के लिए, नेट रप्चर के लिए चेक, और ब्लॉक शियर के लिए फेलियर, इन सब में जो लिस्ट होगा वो हो जाएगा। बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, यहाँ पर भी शियरिंग के लिए फॉर्मूला बता रखा, तो क्या दिक्कत है, हम क्वेश्चन से भी फील कराएंगे आपको, तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, मैं फिर से क्लियर करा सकता हूँ, बोलेंगे सर क्लियर है, ऑल क्लियर, और नहीं है तो बोलेंगे नो क्लियर, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब देखोगे अभी अगर आप यहाँ पर मेहनत करते हैं इस छोरी पोर्शन में जो आपका समझने में और याद रखने में आपको दिक्कत ना है आगे, अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट की बात करते हैं हम, अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट क्लियर है। तो जैसे पहला मैं कंडीशन अगर आपको चेन रिबेटिंग दिखाऊं, पहला कंडीशन चेन रिबेटिंग नहीं, चेन बोल्टिंग, ठीक है, चेन बोल्टिंग, ठीक है, तो चेन बोल्टिंग में हम क्या करते हैं एक्चुअली में, जानते भी हैं आप चेन बोल्टिंग का कंडीशन, ये आपका है चेन बोल्टिंग, ये टू सेक्शन है, ये वन सेक्शन है, ठीक है, चलो दो सेक्शन आपके ये हो गए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट, ठीक है, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट, जो मेन प्लेट आपकी है, ठीक है ना, टीडीएन की बात कर रहा है, टीडीएन की, ठीक है ना, तो अब सेक्शन वन देखो आप, सेक्शन टू देखो, किसी भी सेक्शन पे देखो, चेन रिबेटिंग की कंडीशन में सेक्शन वन ही मान के चलो, तो कोई भी सेक्शन पर अगर आप निकालो, यहां पर निकालो, ये यहां पर निकालो, मैं 1.1 पर ही कहता हूं, तो किस तरह से निकालेंगे क्वेश्चन में, ये सारे हेल्प करेंगे आपको स्टूडेंट, किस तरह से हम कर रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे हम कि चेन बोल्टिंग की बात किया जाए, तो पहले तो टीडीएन की फॉर्मूला मुझे बताओ, टीडीएन इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया भी आपको, TDN इज इक्वल टू आप जानते हैं आपका नेट सेक्शन रप्चर का ये फॉर्मूला लग रहा है 0.9 ऑफ एफ यू अपॉन 1.25 ऑफ ए नेट, याद है क्या, याद है, यही फॉर्मूला में लिखाया था कि 0.9 एफ यू अल्टीमेट स्ट्रेस इनटू ए नेट, ए एन मतलब अपॉन 1.25, जहां ए नेट का वैल्यू बताओ जरा, अब ए नेट पर कहानी नहीं अटकेगी बिल्कुल भी, क्या हो जाएगा 0. टीयरिंग एरिया है, तो आपको याद है ना बी माइनस क्या करते थे आप, एन डी नॉट, डी नॉट ग्रॉस डाया होता था ये अपॉन 1.25, ठीक है ना, 1.25, तो ये होता है एक्चुअली में आपके
कंडीशन। अब यहाँ पर एन कितना दिख रहा है आपको, तो वो डिपेंड करता है आपके कौन सा सेक्शन आपका क्रिटिकल है, एन कितना है 3D0। तो इस तरीके से हम काम करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। अब ग्रॉस आपका बोल्ट का डाया दे देगा, ग्रॉस डाया आपको निकालना आता ही है, D0 इज द ग्रॉस डाया, होल डाया ये आपको निकालना आता है, विड्थ प्लेट का दिया रहेगा, आपका ग्रेड ऑफ स्टील दिया रहेगा, तो यील्ड स्ट्रेंथ उसकी पता लग जाती है। तो यहाँ से आप इस तरह से नेट सेक्शन रप्चर निकालते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हो। ओके, नेक्स्ट मैं सेकेंड कंडीशन बताता हूँ आपको, डायमंड बोल्टिंग, डायमंड बोल्टिंग, डायमंड बोल्टिंग का फिगर से देखना ध्यान से किस तरह से मैं बना रहा हूँ। जानते ही है वैसे, कोई नया चीज़ नहीं है आपके लिए, तो आपने बहुत समय लगा रखा है इस पे डायमंड बोल्टिंग में। क्यों? क्योंकि डायमंड बोल्टिंग पर बहुत ही ज़्यादा आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया हुआ है कि डायमंड बोल्टिंग क्यों इफेक्टिव है, ठीक है ना, इकोनॉमिक भी है ऑब्वियसली और इफेक्टिव भी है। देखते हैं कैसे। हम क्या करते थे, इस तरह से अरेंजमेंट देते थे इसके सेंटर में और फिर इस तरीके से, यही करते थे क्या, ऐसा 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 और ऐसा, ये अरेंजमेंट होता था। तो इस सेक्शन को हम देते थे नाम वन, इस सेक्शन को नाम दे दिया था हमने, माना सपोज दैट टू, और इस सेक्शन को दे दिया थ्री, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एक्चुअली मैं अगर मैं कहूँ यहाँ पर स्ट्रेंथ बेस पर, मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज फिर से करा रहा हूँ कि एक आपका वन सेक्शन है, सॉरी एक चेन रिबेटिंग और एक आपकी डायमंड रिबेटिंग, डायमंड बोल्टिंग है, तो इस पर आपका ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन ये होती है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर लोड का जो एक्शन होगा डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा वन वन सेक्शन को, तो यहाँ पर प्लेट की स्ट्रेंथ आपने घटा रखी है, घटाई हुई है आपने स्ट्रेंथ, क्योंकि आप देख रहे हो तीन होल किया गया है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है, होल कम करने का मतलब बढ़ाया गया है, प्लेट की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ाई गई है। ओके, तो ये इसलिए भी इफेक्टिव ही होता है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ आपका रिबेटिंग कनेक्शन में, चलो तो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो मेन कहानी मेरा सिखाने का था यहाँ पर, सबसे पहले टियरिंग स्ट्रेंथ जो नई चीज़ है, क्या मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, टियरिंग स्ट्रेंथ में अगर वन वन की बात करूँ तो, पहला कंडीशन वन 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 के लिए करूँ तो क्या होगा, टियरिंग स्ट्रेंथ फॉर वन वन पहली कंडीशन के लिए तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, फॉर्मूला वही, टी डी एन फॉर वन वन विल इक्वल टू 0.9 एफ ई अपॉन 1.25, यहां तक तो सही है, लेकिन एरिया में बी माइनस एन कितना है वन वन सेक्शन पे, एन इज इक्वल टू वन बोल्ट, तो एन इज इक्वल टू जब है डी नॉट, डायरेक्टली लिख दूं क्या, ओके खत्म हो गई कहानी, सॉरी ये आपका बिर्थ हुआ है, यहां पर थिकनेस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, आप भी नहीं देख पा रहे हो, ये तो विड्थ होता है ना, एरिया ले रहे हैं आप, स्ट्रेस इनटू एरिया, तो विड्थ इनटू डेप्थ करना पड़ेगा तभी तो आएगा, टी हम छोड़ दिए थे, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं मैं टीडीएन, अगर आपको सेकंड सेक्शन में बताऊं तो बताओ जरा, यहां पर नई चीज इसमें होने वाली है। अब अगर सेकंड में मैं बताऊं, पहला चीज 0.9 एफयू अपॉन एफवाई, सॉरी एफवाई अपॉन एफयू है स्टूडेंट, ये इसको सही कर देंगे हम, एफ यू अपॉन 1.25 बी माइनस 2D0, कैसे लिखा 2, आप सेकंड वाले पे जाओ, इस सेकंड वाले सेक्शन पर, तो इसमें कितना रिवेट दिख रहा है, कितना बोर्ड दिख रहा है, टू बोर्ड दिख रहे हैं, लेकिन नई चीज जो है वो यहां से शुरू है, नई चीज यहां से शुरू है, लेकिन क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट कि यहां पर जो कहानी अलग है वो है, इसको टी का मल्टीप्लाई कर देना, जो अलग है वो है स्टूडेंट कि जब आप सेकंड वाले पर आए, सेकंड वाले सेक्शन पर स्ट्रेंथ, यानी यहाँ पर ध्यान से समझना स्टूडेंट, सेकंड वाले बोल्ट पर जब आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है यहाँ तक स्ट्रेंथ आ गई आपकी, लेकिन क्या आपका कुछ स्ट्रेंथ ये वाला सेक्शन नहीं दे रहा होगा, क्योंकि आपने बोल्ट का इतना बड़ा अरेंजमेंट दिया वहां पर, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ वो दे रहा होगा, उस स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं आप, उस स्ट्रेंथ को किससे लेते हैं आप, बोल्ट वैल्यू से, जैसे वहां पर पढ़ते थे आप रिबेट में, रिबेट वैल्यू कहते थे वहां पर, उसको बोल्ट वैल्यू से वो स्ट्रेंथ कहते थे, क्योंकि सिंगल की आती थी वो, सिंगल का ही हम लेते थे, और सिंगल का बियरिंग और शेयरिंग दोनों को में से मिनिमम जो होता था, दिस इज द बोल्ट वैल्यू, तो इसको नाम क्या दिया था मैंने, VDB, द बोल्ट वैल्यू ऑफ द रिबेट, ठीक है ना, VDB बोल्ट वैल्यू होता है वो, डिजाइन बोल्ट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट मैं अगर आता हूँ स्टूडेंट, TDN फॉर 3-3 सेक्शन,
इसके लिए तो और भी इजी हो गया, 0.9 FU / 1.25 फॉर बी माइनस 3D नॉट कॉर। क्या थ्री वाले सेक्शन पे जाओ तो कितने वोल्ट दिख रहे हैं आपको, 1, 2 और 3, 3 वोल्ट हो गए, रिवेट होल हो गए, लेकिन लेकिन आपका डिजाइन बोल्ट होगा कितने बोल्ट स्ट्रेंथ आपको मिलेगी यहाँ पर, दो तो ये हो गए, देखना ध्यान से, दो तो ये हो गए और एक इसका हो गया, तो 3 बोल्ट वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 3 times of VDB किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं जितना आपको बता रहा हूँ सब हेल्प करता है आपको जब क्वेश्चन में हम करते हैं, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को स्टूडेंट, सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं स्टूडेंट कि नया जो आपको एक चीज़ फॉर्मूला आपको समझना था उसकी जरूरत आपको पड़ सकती है, तो नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट, हमारा जो जरा था आगे ये अरेंजमेंट आपको सीखना था बस किस तरह से हम सीखते हैं, नेट एरिया पर आप कंफ्यूज हो सकते थे आगे क्वेश्चन में, इसलिए मैंने क्लियर करवा दिया है। हमने कहा ना कि एक एक क्वेश्चन आपका, कुछ भी क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम ना करे किसी भी टाइप का, तो हमें उस लेवल में ही पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट नोट में एक पॉइंट लिखा रहे हैं, ठीक है। डायमंड पैटर्न इज मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जानते भी थे पहले भी रिबेट से, डायमंड ज्वाइंट, ये डायमंड ज्वाइंट बोले या डायमंड पैटर्न बोले आपकी मर्जी है, ठीक है ना, डायमंड एज अरेंजमेंट बोले, पैटर्न आर मोस्ट मोस्ट एफिशिएंट, एफिशिएंट बोल दें या इकोनॉमिकल बोल दें आपकी मर्जी है, ठीक है ना, दोनों में आपका ये जो है एफिशिएंसी की बात भी किया जाए तो ज्यादा ही होगा और इकोनॉमिक की बात भी किया जाए तो ज्यादा ही होगा, देख पा रहे हो ना, क्योंकि इकोनॉमिक कैसे हुआ, जहां पर चेन रिपीटिंग में आप 3 बोल्ट होल कर रहे थे तो बोल्ट भी लगेगा, 3 फास्टनर भी लग रहे हैं और आपका टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा, जहां पर आप 1 सेक्शन पर डायमंड में एक ही बोल्ट होल कर रहे हो तो इकोनॉमिक भी हो गया, एफिशिएंसी तो ज्यादा होती है उसकी ऑब्वियसली, तो मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक, ओके पहला पॉइंट, डायमंड पैटर्न आर मोस्ट एफिशिएंट एंड मोर इकोनॉमिक, ठीक है ना, इकोनॉमिक। तो इसको मैं लिखा नहीं रहा हूं कि सेक्शन 1.1 पे आपने क्या किया, रिड्यूस किया, क्योंकि अब मैं लिखा भी देता हूं बाय सेक्शन 1.1 इन चेन बोल्टिंग इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड बाय कहां तक लाए उसको, केवल आप 1 ही लाए क्या, बाय ओनली वन बोल्ट, ठीक है ना, ओनली वन बोल्ट रिड्यूस्ड बाय, ठीक है ना, तो 1.1 सेक्शन पर आप जहां 1 बोल्ट लाए इन कंपैरिजन टू, अगर आप वहां पर करें आप चेन रिपीटिंग वहां पर 3 थे, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपने इकोनॉमिक कर दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, एफिशियंट भी होता है ये और इकोनॉमिक भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आपका और है कि जब हम बात करते हैं बोल्टेड कनेक्शन में, ठीक है ना, तो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट शुड नॉट बी लेस देन 5/8 times of t, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके इस पॉइंट को लिखूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नॉट में तो है ही, कह रही है थिकनेस ऑफ कवर प्लेट शुड नॉट बी लेस देन 5/8 times of t इन केस ऑफ डबल कवर बट ज्वाइंट, इन डबल कवर, अब क्या होता है डबल कवर बट ज्वाइंट ये आप जानते ही हैं, 2 कवर जहां लगे हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, ठीक है ना, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट शुड नॉट बी लेस देन, किस केस में, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट शुड नॉट बी लेस देन 9/8 times of t इन केस इन
सिंगल कवर बट ज्वाइंट। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी थी स्टूडेंट, सिंगल कवर बट ज्वाइंट में कैसे करते हैं और डबल कवर बट ज्वाइंट में कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ये नॉट का पॉइंट इंपॉर्टेंट जो था ये हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर ये क्लोज कर चुके हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है इसलिए आपको ध्यान रखना होता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, टी इज द थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, टी इज होगा यहाँ पर मैं लिखा दे रहा हूँ थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, ओके दिस इज द थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। नेक्स्ट कर रहे हैं स्टूडेंट कि आपका कहानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बोल्ट एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपका, सब्जेक्टिव में तो ये काम नहीं आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ जाता है। बोल्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड शियर एंड टेंशन, शियर एंड टेंशन, ऐसा कोई बोल्ट जिसमें आपका शियर और टेंशन दोनों कंबाइंडली इफेक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में कैसे चेक किया जाता है स्टूडेंट वो देखना है ध्यान से, ठीक है ना। इसका मैं कंडीशन आपको बताऊं कहां पर ये देखने को मिलेगा, कॉलम आपका आई सेक्शन है, सपोज दैट ये आपका आई सेक्शन है, ठीक है, ये कंटिन्यूटी का साइन मैं बना देता हूँ, ये है, ठीक है, ओके। इसको आपने कनेक्ट कर रखा है टी बकेट से, ठीक है ना, इसको कनेक्ट किया गया है इससे टी बकेट इस तरीके से, ठीक है ना, ब्रेकिंग प्लेट ही बोलते हैं इसको, तो इस पर लोड आएगा पी आए, यहाँ पर आपने कनेक्ट किया इसको बोल्ट से, ऐसा होगा ही, तो इसको कनेक्ट किया गया ऐसा बोल्ट से, ठीक है, ये बोल्ट है आपके। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर देखने को मिला इसके स्टूडेंट, यहाँ पर टीयरिंग और शियरिंग दोनों इफेक्ट देखने को मिला यहाँ पर, टेंशन एंड ये आपका आई सेक्शन बोल दो इसको, ये बकेट है आपका टी बकेट बोलते हैं इसको, ओके। तो यहाँ पर आपका क्रिएट होता है टेंशन और शेयर का इफेक्ट। तो इसके लिए कोड ने आपको एक चेक करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है ना, कि आपका जो शेयरिंग एक्शन है एक आपका यहाँ पर शेयर फोर्स का इफेक्ट होगा, एक टेंसाइल फोर्स का इफेक्ट होगा। तो उसके लिए देखो कैसे चेक किया गया था, कैसे चेक करते हैं तो ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, देखना वी एस बी अपॉन, ठीक है ना, वी एस बी क्या है सभी चीजों को मैं बताऊंगा अभी, एक होता है वी एस बी और एक होता है वी डी बी, वी डी बी है ये, ठीक है ना, तो ध्यान से समझते रहो, एक होता है वी एस बी और एक होता है वी डी बी। वी एस बी जो होता है स्ट्रेंड, ये होता है फैक्टर्ड शियर फोर्स इन द बोल्ट, और वी डी बी की बात करूं मैं तो वी डी बी तो आप जानते ही हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ओके। तो क्या करता है देखो कैसे इसमें दिमाग लगा के इन्होंने फॉर्मूला बुलाया, कैसे चेक करेंगे हम, प्लस स्क्वायर क्या फिर से टी बी और टी डी बी को रिलेट किया गया, एक तो टी बी बोल दिया इसने और एक टी डी बी बोल दिया है। टी बी इज द फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स इन द बोल्ट वेयर टी डी बी इज द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ और डिजाइन टीयरिंग स्ट्रेंथ रप्चर स्ट्रेंथ, ये तो आप जानते ही हैं, ओके। इसका भी स्क्वायर करेंगे आप, ये जो कंडीशन होनी चाहिए इस कंडीशन को आप चेक करते हैं, दिस कंडीशन शुड बी लेस देन इक्वल वन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखा देता हूं आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि वी एस बी क्या है और आपका टी बी क्या है, तो वी एस बी मैं लिखा दे रहा हूं और टी बी लिखाऊंगा, ये होता है फैक्टर्ड शियर फोर्स, फैक्टर्ड शियर फोर्स इन बोल्ट, और ये होता है फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स इन फिर से बोल्ट, ठीक है ना, ये हो गए जो ये नई चीज जो आपने वी एस बी सीखा और यही तो सीखा टी बी, ठीक है, जो आपका एक इफेक्ट होगा टीयरिंग फोर्स का, एक होगा शेयरिंग फोर्स का, तो इनको चेक किया गया है, डिजाइन टीयरिंग स्ट्रेंथ टी डी बी, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करते हो कि कैसे करते हो काम, तो अब इसको चेक कैसे किया जाता है मैंने आपको बता दिया है, ये आपको फॉर्मूला यूज होगा, आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं अभी बताऊँ आपको, तो ये स्टूडेंट आपको देखने को मिला है
ऑब्जेक्टिव में ही। चलो इतना आपको जरूरी था सीखना, इससे ज्यादा अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसका जरूरत भी पड़ेगा, अनविंस फॉर्मूला। फिर मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं आपके डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन में भी मैं अलग अलग लेवल से क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक होगा इजी लेवल क्वेश्चन, एक होगा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन और एक होगा हाई लेवल क्वेश्चन। तो एक होगा डिजाइन का क्वेश्चन, एक होगा एनालिसिस का क्वेश्चन, एक होगा ब्लॉक शेयर का क्वेश्चन। तीनों में इजी से मॉडरेट पर और लो से सभी पर कवर कर देता हूँ, कुछ भी आ जाए आपके एग्जाम में क्या दिक्कत है, हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे फिर। चलो तो करते हैं आगे कहानी। अनविंस फॉर्मूला, ये सभी लोगों ने याद किया होता है फॉर्मूला, और ऑब्वियसली याद करना स्वाभाविक भी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। मैं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट में लिख देता हूँ, ठीक है, अनविंस फॉर्मूला। अनविंस फॉर्मूला पहला चीज तो अगर मैं आपको कहूँ रिबेट कनेक्शन में तो वहां पर भी ये यूज होता है अनविंस फॉर्मूला। इट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना, इट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, इट इज नॉट इन IS कोड, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना, इट इज नॉट इन IS कोड, IS कोड में कहीं नहीं कहा गया, ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है जो आपको थोड़ा सा हेल्प करता है एक्चुअली में, ये अनविंस साहब ने कहा है बस इसकी बात, ठीक है ना, थोड़ा सा हेल्प करता है स्टैंड कि आप कैसे बोल्ट डायमीटर को सजेस्ट करें, ठीक है ना। तो डी मिनिमम, मिनिमम डाय निकालता है, इट विल बी इक्वल टू 6.05 टाइम्स ऑफ अंडर रूट टी, टी एंड व्हाट द टी, व्हाट इज द टी, टी मिनिमम ही होगा ये, ये क्या होगा, टी मिनिमम ही होगा, ठीक है। जहां पर मैं लिख भी देता हूं कि डी मिनिमम क्या है, जो डी मिनिमम लिखा लेंगे आप, दिस इज द मिनिमम, कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि ग्रॉस डाया है कि होल्ड रिबेट डाया, बोल्ट डाया, मिनिमम डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का डाया, होल डाया नहीं है ये, ओके, बार बार मैं इसी चीज पर डिस्कस कर रहा हूं। टी मिनिमम, टी मिनिमम इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, टी मिनिमम इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, दिस इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, ओके। तो इतने चीजों की स्टैंड आपको जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए यहां पर आपका जितना भी थ्योरी पार्ट था इसके अलावा कुछ नहीं बचता है, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, इसके अलावा थ्योरी पार्ट में कुछ भी नहीं बचता, अब हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल में जाएंगे। न्यूमेरिकल से जितना हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है, मतलब कि जो आपके फॉर्मूले पार्ट पढ़े हैं, थ्योरी पार्ट पढ़े हैं, सारे को आप बिल्टअप करते हैं एक साथ, अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पार्ट में। शुरुआत हम इजी वे से, इजी टू मॉडरेट वेट से ही चलेंगे जो जनरली पूछे जाते हैं। चलो तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं तुझे, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा क्वेश्चन को लिखने में, तो आप देखते रहेंगे क्या मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से बिल्कुल आप देखते रहेंगे बिल्कुल क्वेश्चन किस तरह से हम करेंगे। कैलकुलेट अ स्ट्रेंथ ऑफ M20 बोल्ट, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ M20, ऐसा लिखा जाता है M20 बोल्ट, ध्यान से समझना स्टूडेंट मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे समय लगेगा स्टूडेंट क्वेश्चन लिखने में। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ M20 बोल्ट ऑफ ग्रेड, ऑफ ग्रेड Fe410, ये आपको स्टील का, जिससे आप बोल्ट बना रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है स्टील से बनेगा, तो उसका ग्रेड है Fe410, Fe410 नहीं लिखा उसने डायरेक्टली, आपको और ज्यादा कंफ्यूज किया गया है, ग्रेड 4.6 लिखा उसने, ठीक है ना स्टूडेंट, जो लिखा है मैं उस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में वही मैं लिखता हूँ, अपनी मर्जी से नहीं लिखता मैं, यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, इंजीनियरिंग सर्विस का ही क्वेश्चन है, आपको बोला गया कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ M20 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 फॉर द फॉलोइंग केस, फॉर द फॉलोइंग केस। इस क्वेश्चन से आपकी किसी भी तीन कॉन्सेप्ट में यहां पर क्लियर कराऊंगा, इस क्वेश्चन से तीनों के तीनों क्वेश्चन में, जरूरी नहीं कि आपको तीनों कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं है कि आपको, मैं तीन कॉन्सेप्ट अभी आपको बताऊं कौन कौन से इसमें है, तीनों कॉन्सेप्ट, हो सकता है कि आपका एक कॉन्सेप्ट पर आए,
हो सकता है कि आपका दूसरे पर भी आए, पहले पर भी आए, हो सकता है कि आपके तीनों पर भी आए, ये हो सकता है कि केवल तीसरे पर, देखेंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो तीनों। ठीक है, मैंने लिखा है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ M20 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 फॉर द फॉलोइंग केस, मेन प्लेट आर टू बी ज्वाइंट, मेन प्लेट आर टू बी ज्वाइंट, आर टू बी ज्वाइंट, ठीक है ना, आर टू बी ज्वाइंट बाय, ज्वाइंट बाय, ज्वाइंट आर 12 mm थिक, जो मैं आपकी मेन प्लेट है ना उसकी 12 mm का थिकनेस है, थिक 12 mm थिक उसकी मोटाई, एंड स्टील का जो ग्रेड है, जो प्लेट बन रही है जिससे, एंड स्टील इज ऑफ ग्रेड, एंड स्टील इज ऑफ ग्रेड Fe 410। अब आ गया हमको क्लियरली समझ कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, पहला चीज तो ये बोर्ड आप लगा रहे हैं तो बोर्ड का स्पेसिफिकेशन उसने दिया है कि बोर्ड आपका M20, अभी M20 क्या आप जानते हैं कौन सा बोल्ट है। दूसरा चीज के ग्रेड की बात किया, जो बोल्ट आप जिससे बना रहे हैं उस स्टील का ग्रेड है 4.6, ये भी आपको जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो आप याद करोगे किस हिसाब से मैंने बताया था आपको। दूसरा चीज, जिस प्लेट पर आप वोल्टिंग कर रहे हो उस प्लेट का थिकनेस दिया 12 mm का, लेकिन जिससे प्लेट बना है, जिस मटेरियल से, स्टील से, उस स्टील का ग्रेड आपका 410 का है, फी 410। इतना हम क्वेश्चन को समझ गए, लेकिन पूछा क्या गया है, तीन केसेस इसने क्या बोला है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, बोला ना कि फॉर द फॉलोइंग केस, तो फॉलोइंग केस क्या है, पहला कंडीशन ए पार्ट, इसको मैं ए पार्ट करके दे रहा हूं, पहला कंडीशन आपको चेक करना है डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए, लैप ज्वाइंट, पहला कंडीशन। बी पार्ट आपका, पहला तो हो गया लैप ज्वाइंट उस स्ट्रेंथ, दूसरा है सिंगल कवर बट ज्वाइंट, सिंगल कवर बट ज्वाइंट, सेकेंड स्टैंड सिंगल कवर बट ज्वाइंट, ओके, द कवर प्लेट बींग 10 mm थिक, द कवर प्लेट बींग 10 mm थिक, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको नॉर्मली बिल्कुल मत लिएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है, 10 mm थिक, ओके। नेक्स्ट आपका सी पार्ट में जो स्टूडेंट आपका पूछा गया है, बोला गया कि डबल कवर बट ज्वाइंट, डबल कवर बट ज्वाइंट, लेकिन एक कंडीशन इसने और जोड़ दिया, डबल कवर बट ज्वाइंट तो है, ईच ऑफ द कवर प्लेट, नेक्स्ट इसने कहा है ईच ऑफ द कवर प्लेट आर 8 mm थिक, इसने ये कह दिया है। पहला चीज तो मेन प्लेट तो पहले ही उसने कही है कि 12 mm की थिकनेस में है, लेकिन जब आप सिंगल कवर लगाते हो तो उस कवर की थिकनेस भी उसने दी है 10 mm, सेकंड केस में अलग पार्ट है। दूसरा सी पार्ट पर आप जब यूज करोगे तो वहां पर मेन प्लेट तो आपकी 12 ही है, लेकिन कवर प्लेट यहां पर चेंज हो गई, 8 mm की रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तीनों पार्ट में आपको कोरिलेट करना है इसको। तो देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, पहला चीज देखता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, पहला मुझे बताओ लेफ्ट ज्वाइंट के लिए स्ट्रेंथ, तो देखते हैं किसका, पहला तो यही निकाल के बताओ लेफ्ट ज्वाइंट, सेकंड पार्ट पे तो बाद में आते हैं, तो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, करिएगा जल्दी से आंसर स्टैंड, इंटरेक्ट करा करो स्टैंड, ठीक है ना, इंटरेक्ट से ही फायदा होता है आपको भी और मुझे भी, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो फायदा नहीं है। पहला चीज तो गिवन क्या क्या है, क्या क्या चीज गिवन है स्टूडेंट, बोलो, क्या क्या चीज आपके पास गिवन है। चलो तो गिवन बेटा हमारा तरीका वही रहता, मैं आपको बार बार यही कहता हूं हर क्वेश्चन में कि हमेशा आप जब भी किसी कन्वेंशनल एग्जाम में जाएं, किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में जाएं, तो तरीका वही है एग्जामिनर को खुश करने का कि गिवन डेटा लिखो, तो गिवन डेटा है आपके पास, लिख देना होता है यहाँ पर गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में मैं लिख दे रहा हूँ एक साइड क्या क्या आपके पास गिवन है। पहला चीज, क्या नॉमिनल डायामीटर आपको दिया है, क्या नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट का मतलब क्या, बोल्ट का डाया, नॉट होल डाया, तो दिस इज द
डी, दिस इज डिनोटेड बाय डी. इन केस ऑफ बोल्ट ज्वाइंट दिस इज डिनोटेड बाय डी. इन केस ऑफ रिवेट ज्वाइंट दिस इज डिनोटेड बाय फाई. इस चीज को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे. तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जहां पर एम 20 बोल्ट होता है इसका मतलब होता है ये रिबोल्ट के डाया का बात हो रहा है. ओके, ये यहाँ पर क्या है, बोल्ट की डायमीटर. अब यहाँ पर मैं अगर बोलूँ आपको कि डायमीटर ऑफ होल बताओ या होल डायमीटर बताओ, तो डाया ऑफ बोल्ट होल अगर आप पूछें आपको, तो इसको डिनोट करते थे आप डी नॉट से. करते थे क्या, डी नॉट कितना होगा, क्या आपको याद है, क्या है ये रेंज कितने से कितने बार जा रही है, ये आपको याद है कुछ? सर बिल्कुल याद नहीं है, तो बताएंगे जरा ये कौन से रेंज में, बताओ जरा रिबेट डाया से. ये क्या आपको याद है, ये 16 से 24 वाली रेंज है क्या? आपको बताया था मैंने कि 16 से 24 mm तक अगर आपका बोल्ट का डाया होता है, 16 से 24 mm तक बोल्ट का डाया है, तो उसमें आप बोल्ट डाया में ही 2 ऐड कर दो. तो कर दो, ये कंडीशन थी बोल्ट के लिए, तो 2 ऐड कर दो. तो 2 ऐड कर दिया आपने, तो ये मिल गया आपको 22 mm. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस पर मैं बहुत समय लगाऊंगा क्योंकि ये बेसिक स्तर का क्वेश्चन है. बेसिक इन द सेंस ये आपको बिल्टअप करेगा क्वेश्चन करने के लिए, पूरा का पूरा रिदम बनाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब आपके पास और क्या क्या दिख रहा है कि जो गिवन है, क्या थिकनेस ऑफ मेन प्लेट दिया है क्या? चलो लिख देता हूं मैं, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट इज टी इज गिवन बाय 12 mm. आपको गिवन है मेन प्लेट का थिकनेस जिनको कनेक्ट किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंड कि आपके पास एफयू भी कितना दिया है. अब कहानी अटक रही है, आपको ग्रेड बोला था उसने, देखना ध्यान से स्टैंड. इसीलिए मैंने आपकी सारी कहानी पहले ही क्लियर करा देता हूं कि आपको एग्जाम जब आप क्वेश्चन करें कहीं भी घबराए नहीं कि क्या दिया है. जब मैंने आपको कहा था कि बोर्ड का ग्रेड जब 4.6 दिया जाए, तो इस 4 वाली टर्म्स को आप 100 से मल्टीप्लाई करके करते थे, तो ये जो मिलता था आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड मिलता था. दिस इज द एफयूबी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड, और इस 4 वाले को आप 100 से मल्टीप्लाई करते थे, जहां पर ये 400 MPa बन जाता था, न्यूटन पर mm² बन जाता था. इतना याद है? ओके, जब इस 0.6 को आप मल्टीप्लाई करते थे, इस 0.6 को आप मल्टीप्लाई करते थे कहां पर, याद है क्या? इस पॉइंट, भले आपको अभी यहां इस पर जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जरूरत पड़ी तो FY की, तो बताओ जरा FY क्या हो जाएगा इसके लिए, बोलो FY क्या हो जाता है? इस बोल्ट की मैं बात करता हूं, FY ऑफ बोल्ट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या हो जाएगा, क्या पता है आपको? 0.6 इंटू, मैंने कहा था ना आपको, याद दिलाया था कि 0.6 इंटू 400 कर दो, ये जो टर्म्स आई, तो ये हो जाता था 240 MPa. लेकिन जरूरत नहीं अभी इसके, शायद मुझे जहां तक लग रहा है. ओके, नेक्स्ट आपको एक चीज और दिया है कि FU, जहां पर ये FE 410 है स्टूडेंट, तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है, क्या ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है क्या? ये FE 410 का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रेड है स्टील का, दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, FU नॉट FY, दिस इज द FU, एंड FU इज इक्वल टू 410. ये किसके लिए है? ये प्लेट के लिए है, और ये आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, स्टील जो ग्रेड आपका प्लेट के लिए. तो इतनी चीजें आपकी बेसिक हो गई, इतना स्तर आपने जब बना दिया, तो हम आगे चलते हैं अब कि पहला पार्ट पर. अब मैं पहला पार्ट पर आ रहा हूँ, ए पार्ट पर, ठीक है? यहाँ पर मैं इसको कर दे रहा हूँ पार्ट ए. एक एक पार्ट को पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे स्टूडेंट. पार्ट ए पर आ रहा हूँ मैं, तो पार्ट ए को पोस्टमार्टम किया जाए पहले, तो बताइए पार्ट ए में क्या ज्वाइंट आपको दिख रहा है? क्या लेफ्ट ज्वाइंट दिख रहा है? तो लेफ्ट ज्वाइंट बनाते हैं, दिखाइए इसको कि लेफ्ट ज्वाइंट ऐसा बनता है. लो बना दिया, किसको? एग्जामिनर को. तो लेफ्ट ज्वाइंट बना दिया आपने कि ऐसा बन गया भाई लेफ्ट ज्वाइंट, यहां बना दिया इसने आपको इस तरह से, कोई रिबेट होल इस तरह से बना दिया आपने, दिखा दिया कि लेफ्ट ज्वाइंट ऐसा होता है. क्यों बताया आपने इसको ऐसा? इसको बनाने का मीन्स इसलिए है, ठीक है ना, इसको बनाने का मीनिंग क्या है, क्यों बनाया आपने ऐसा बताओ जरा? ऐसे बनाने से क्या फायदा हो गया भाई? आप तो जानते हैं ना इंटरनली कि क्या होता है. इसको बताने का मीनिंग ये स्टूडेंट, एक्चुअली मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इसको बनाने से आपको पता लग जाएगा कि एक थ्रेड जोन होता है. यहाँ पर बता देता हूँ मैं,
ठीक है, यहाँ तो आप नेट यूज करते हो, बॉटम वाले पार्ट में नेट आप यूज करते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से स्टूडेंट, एक हो रहा है शियर प्लेन इज नॉट इंटरसेप्ट द थ्रेड, शियर प्लेन नॉट इंटरसेप्ट द थ्रेड, क्या मतलब है इसका भी समझ आएगा। मैंने बहुत सी चीजें इस पर डिस्कस भी की हैं वैसे, ठीक है ना, ये जो प्लेन है, ठीक है, ये वाला जो प्लेन है ना स्टूडेंट, इसको बोला जाता है शियर प्लेन। ये जो है, ये दिस इज द शियरिंग प्लेन। तो शियरिंग प्लेन में आपका एक ही जगह दिख रहा है ना, सैंक एरिया केवल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो प्लेन है, यहाँ पर आप बोल्ट यूज करते हो, उसके बाद सॉरी नट यूज करते हो, यहाँ पर इस वाले प्लेन, ध्यान से मैंने इसको, तो ये क्या लिखा है मैंने, शियर प्लेन नॉट इंटरसेप्ट द थ्रेड, थ्रेड आपका इंटरसेप्ट नहीं है। और आप उसको मैं बखूबी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब आप पार्ट ए के लिए, लेफ्ट ज्वाइंट के लिए जब बात करते हैं, तो ये आपका ये सिंगल शियर के लिए होता है, ठीक है ना। पार्ट ए आपका लेफ्ट ज्वाइंट है ये, तो लेफ्ट ज्वाइंट के कंडीशन में ये कंडीशन कौन सी है, सिंगल शियर की है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है और एक लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस यही देगा, इसके लिए यही देगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंगल शियर, बोल्ट इन ए सिंगल शियर। मैं लिख भी देता हूं, बोल्ट इन द सिंगल शियर, ये इंपॉर्टेंट था। तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां पर अलग कॉन्सेप्ट है, यहां पर अलग अलग, इसलिए मैं अलग अलग कंडीशन को समझा रहा हूं आपको, कि आप गड़बड़ बिल्कुल ना कहें, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है सही। तो बोल्ट इन अ सिंगल शियर, सिंगल शियर में हो गया, अब तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए। जब सिंगल शियर में हो गया है, तो हमारा जो कंडीशन है, हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि शियर प्लेन इंटरसेप्ट द थ्रेड एरिया, ठीक है ना। जब सिंगल शियर की बात हो गई है, तो आपको एन एन इज इक्वल टू होता था 1, जबकि एन एस इज इक्वल टू था 0, क्योंकि शियर प्लेन नॉट इंटरसेप्ट द थ्रेड, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं बिल्कुल ही आपको फॉर्मूला लिखा रहा। देखो, अब आपका जो VDSB था, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, वो होता था आपका FU अपॉन गामा 3 रूट 3 गामा MB AN इंटू या NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। क्या इसके बाद भी आपको याद है कि शेयरिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका BLG BLJ BP कुछ नहीं करना है, कहीं से भी नहीं बोला गया है, कुछ भी हिंट नहीं दिया आपको, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये फालतू तो आप दिमाग बर्बाद करोगे अपना और समय भी बर्बाद करेंगे। जब आपको कहीं भी मेंशन ना किया गया हो कि आपको फिलर प्लेट यूज हुआ है, लॉन्ग ज्वाइंट लग रहा है या ग्रिप लेंथ बढ़ गया, कुछ नहीं करना आपको, बस यहीं तक फॉर्मूला रखना है। तो FUB अपॉन रूट 3 इंटू गामा MB अंडर इंटू NN इंटू ANB फॉर द कंडीशन फॉर द सिंगल शियर NS इज इक्वल टू 0, देन फाइनली VDSB इज इक्वल टू FU अपॉन रूट 3 गामा MB NN इंटू ANB। तो मैं रख दे रहा हूँ फॉर्मूला स्टूडेंट, अब मैं ज्यादा समय नहीं लगा रहा हूँ इसमें, तो रख देते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि FUB का वैल्यू क्या होगा, FU का FU कितना है, आप देखो 410 है क्या, ओके नेक्स्ट बताओ मुझे, सॉरी FU 400 नहीं, 410 नहीं, 400 है, बोल्ट की बातें हो रही है ना, इस चीज को भी पकड़ना स्टूडेंट। यहां पर FU अल्टीमेट स्ट्रेस दो आपने लिखे हैं, एक अल्टीमेट स्ट्रेस प्लेट का है और एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपकी बोल्ट की है। ये जो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ निकलती है, किसकी निकल रही है, देखो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, तो बोल्ट का ही स्ट्रेंथ लेंगे, अपॉन रूट 3 गामा MB कितना लेते हैं 1.25 इंटू NN 1 है। अब कहानी अटक, ये तो सारी टर्म्स जीरो हो गई, जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे कि ANB कितना लेते हैं, ANB जो लेते हैं 0.78 टाइम्स ऑफ ASB करते हैं, जहां पर ASB क्या होता है, इधर दिख रहा है ना स्टूडेंट आपको, ठीक है, जहां पर ASB जो होता है 0.878 पाई बाय 4 ऑफ डी नॉट का स्क्वायर हो जाता है। ASB सिलिंड्रिकल एरिया, पाई बाय 4 ऑफ डी नॉट का स्क्वायर ASB हो जाएगा, इसका 0.78 टाइम्स आप लेते हैं ASB, तो करते हैं ना, NN इज इक्वल टू 0.78 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4 ऑफ डी नॉट, डी नॉट का वैल्यू क्या है, मैं डायरेक्टली रख दे रहा हूँ, डी नॉट जो था आपका 22 mm का था, तो 22 का स्क्वायर, तो खत्म हो गया यहां से VDSB। तो VDSB का आंसर करेंगे स्टूडेंट,
मुझे ये जो वैल्यू आएगी आप देख पा रहे हैं इधर देखना ध्यान से कि आपका जो वैल्यू है 400, ये भी आपका एमपीएम है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, सारी वैल्यू आपकी एमएम में होगी, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो आएगा न्यूटन में आएगा, लेकिन मुझे चाहिए किलो न्यूटन में सपोज दैट, तो मैं क्या करता हूँ इंटू 10^-3 कर देता हूँ। किलो न्यूटन में मुझे बताओ जरा VDSB, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट, दिस इज द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, पहला काम हमने ये कर दिया। अभी लेफ्ट ज्वाइंट पे ही है, पार्ट वन पे ही है हम, पार्ट ए पे। तो बताओ जरा कितना आंसर कर दे, इसको कैलकुलेट करो स्टूडेंट जल्दी से, इसको कैलकुलेट करके दिखाओ। दिस इज द 45.272, दिस इज द 45.272 किलो न्यूटन। ये हो गया आपका VDSB, आ गया क्या सभी का? दिस इज द VDSB 45.272, ठीक है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो आपको पूरा डिजाइन निकालना है, स्ट्रेंथ निकालनी है पूरे ज्वाइंट के, लेफ्ट ज्वाइंट का, अभी तो आपने शुरुआत की है बस ये। अब देखेंगे स्टूडेंट आगे हम क्या करते हैं, आगे चल रहा हूं मैं इस पर ही सेकंड पार्ट में। अब आते हैं स्टूडेंट कि आपको चाहिए क्या था, एक जब आप एक्चुअली में डिजाइन स्ट्रेंथ चाहिए आपको बोल्ट की, VDBP चाहिए आपको, VDB मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, उसको कैसे निकालते थे, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, इनमें से मिनिमम। तो मुझे चाहिए सेकंड डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, तो निकालते हैं क्या दिक्कत है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर दिख रहा है ना आपको डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन बियरिंग बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है ना, इसको डिनोट करते थे VDPB, याद है क्या, VDPB, ठीक है ना। अब इतना भी आपको जब याद है VDPB तो क्या दिक्कत है, VDPB निकाल दो ना। VDPB के लिए मैंने फॉर्मूला आपको दिखाया था, इट विल इक्वल टू 2.5 K, ठीक है ना, KB 2.5 ऑफ KB, ठीक है ना, जो कांस्टेंट होता था KB, ओके। नेक्स्ट आपका होता था मल्टीप्लाई डी, याद है सभी को, ओके, इनटू टी इनटू व्हाट, FU अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, FU अपॉन व्हाट, 1.25, व्हाट विल बी 1.25, दिस इज द गामा बी आल्सो 1.25। तो ये था आपका VDB के लिए, ये बेहद आपको ने फॉर्मूला याद करना है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे लंबी कहानी थी वो थी कि अब KB कैसे निकालोगे, तो करते हैं ना, क्या दिक्कत है, बहुत छोटी कहानी है ये भी। KB इज इक्वल टू था स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मिनिमम ऑफ ई अपॉन 3 times ऑफ डी नॉट, पहला कंडीशन आपको ये चेक करना था, दूसरा कंडीशन पी अपॉन 3 डी नॉट माइनस 0.025 क्या, ओके, दूसरी कंडीशन ये थी स्टूडेंट, 0.25 था ये, 0.25, दूसरा कंडीशन ये भी चेक करिए, तीसरा कंडीशन था आपके पास FU, और लास्ट कंडीशन थी आपकी 1, इन चारों में से आपको चेक करना होता था। तो करते हैं सबसे पहले ई मिनिमम के लिए कहानी करते हैं, ई मिनिमम क्या है या ई क्या रखते हैं हम मान के चलते हैं, हमें हमारे पास कुछ भी दिया नहीं है कि ई कितना है, ई मिनिमम कितना है, हमने कोड के स्पेसिफिक, देखो सारा का सारा यूज आने वाला है, जितने भी हमने स्पेसिफिकेशन पढ़े हैं सबका यूज होगा क्वेश्चन में। ई हमको दिया हुआ नहीं है कहीं भी, एज डिस्टेंस की बात नहीं है, ई क्या होता था एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस हमको दिया नहीं है, तो हमने स्पेसिफिकेशन पढ़ा था कि एक होता था मशीन कट और एक होता था हैंड कटिंग, तो आप ज्यादा बेटर मानते हो कि मशीन कटिंग, वो कितना होता था क्या 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट करते थे क्या, आपको याद है क्या, ई मिनिमम पे ही हम काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट, जहां पर 1.5 ऑफ डी नॉट का वैल्यू है 22, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्टैंड 33 mm, क्या हो जाएगा 33 mm, तो ये भी मिल गया। दूसरा चीज, कहानी अटकती है पी पर, तो पी होता है मिनिमम पिच, मान लेते हैं मिनिमम पिच कितना कहा था आपको कोड में रखने के लिए, तो यहीं पर इंपॉर्टेंट है स्टैंड, ये मैंने कहा था कि मिनिमम पिच जो है 2.5 ऑफ डी रखते हैं, तो क्या मैंने आपको बताया था ये आपका रिबेट डाया नहीं होता है, सॉरी बोल्ट होल डाया नहीं होता है, दिस इज द बोल्ट डायमीटर, ओके, डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 2.5 टाइम्स ऑफ दिस इज द 20, तो ये क्या हो जाएगा 50 mm,
ये हो जाएगा 50 mm। तो यहाँ तक सब साथ हैं। अब करते हैं हम कि ई मिनिमम कैसे निकालेंगे और सॉरी के बी कैसे निकालेंगे। तो के बी के लिए स्टूडेंट यहाँ पर जगह नहीं है, इस पर मैं आ रहा हूँ। पार्ट ए ही है आपका भी, पार्ट ए ही चल रहा है अभी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पार्ट ए के लिए बस वी डी बी की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर इसको रखे रह रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलो रफी कर देता हूँ, फिर लिख दूंगा। अब आते हैं स्टूडेंट की जो वी डी बी है, के बी है सॉरी, तो के बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ ई, ई का वैल्यू आप देखेंगे 33 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ डी नॉट 22। दूसरा आप कैलकुलेट करेंगे पी, पी का वैल्यू मिनिमम पर ही काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम मत रखो, कोड इतना ही तो कहता है कि मिनिमम पर आप सेफ हैं। तो 50 अपॉन 3 इंटू 22, फिर से माइनस का 0.25, दूसरा चेक। तीसरा चेक आपका एफ यू भी कितना, अगर देखो इधर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एफ यू भी कितना आपको दे रखा है, क्या 400 है क्या? अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ध्यान रखना इसका, तो फोर बोल्ट का तो है 400, जबकि प्लेट का कितना है एफ यू जो होता है प्लेट का, तो प्लेट का कितना है 410 अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और तीसरा चेक है आपका लास्ट चेक 1। बताओ जरा कैलकुलेट करके बताओ स्टूडेंट कि सबसे कम कौन सा हो रहा है। तो इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट, सबको कैलकुलेट करके बताओ कि के बी में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा हो रहा है। तो के बी इज इक्वल टू आपका मिनिमम वैल्यू, यहाँ से आप कैलकुलेट, शायद यहाँ से आ जाएगा ये, तो ये 0.5 जो आ रहा है आपका के बी आ रहा है, सबसे लीस्ट वैल्यू जो होगा के बी 0.5 होगा। चलो टी कितना है, टी की जरूरत पड़ेगी आपको, ये होगा 12 mm। तो करते हैं अब स्ट्रेंथ, यहाँ पर मैं आपका वी डी वी निकाल रहा हूँ, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ। तो 2.5 टाइम्स ऑफ 0.5 के बी का वैल्यू इंटू डी, डी कौन सा है अब यहाँ पर देखना स्टूडेंट, डी कौन सा है, बोल्ट डायमीटर, तो 20 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, तो 12 इंटू एफ यू। अब ये एफ यू पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, व्हाट विल बी द एफ यू, एफ यू किसका है, इस चीज को ध्यान रखना स्टूडेंट। जब बियरिंग की बात किया जाए, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बोर्ड तो है लेकिन वहां पर प्लेट को भी ये बियरिंग स्ट्रेसेस देता है, तो हम प्लेट की बात करते हैं यहाँ पर, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना क्योंकि लिखा भी मैंने है एफ यू। तो 410 अपॉन 1.25, तो बताइए जरा इसको कैलकुलेट करके बताते हैं जब, तो वी डी पी भी जो होगा स्टैंड, इट विल बी, बोलो व्हाट विल बी, एनएस बता दिए, क्या बता दिए, चलो ठीक है वन पर आप किसका आंसर बताओ जरा, कितना हो जाएगा, किलो न्यूटन में कर देना इसको, इंटू 10^-4 कर दो, -3, तो इसका आंसर जो हो जा रहा है मेरे पास, इसका आंसर स्टूडेंट ये हो रहा है 98.4 किलो न्यूटन, दिस इज द 98.4 किलो न्यूटन, पहला ज्वाइंट ये है। अब आते हैं कि डिजाइन स्ट्रेंथ है क्या, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अब मेन कहानी तो अब है ना हमारी, क्वेश्चन का आंसर थोड़ी हुआ अभी, अभी पार्ट ए नहीं हुआ है, पार्ट ए जो आपका है अब हो गया खत्म। जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, अभी आपने क्या किया, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाला बोल्ट की, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अब आ रहे हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं इसको, वीडीबी बोलते थे क्या, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, इट इज द मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ वीडीएसबी डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ, ये आया था आपका 45 पॉइंट, कितना आया था वो, इसके पास मेरे पास आंसर इसका 45.272, दिस इज द 45.272 किलो न्यूटन, और ये हो गया आपका 98.4 किलो न्यूटन। तो कौन हुआ आपका मिनिमम, तो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट विल बी 45, ये होगा आपका आंसर अब 45.272 किलो न्यूटन। तो ये हो गया स्टैंड आपके पास कहानी पहला केस के लिए, पार्ट ए वाई, दिस इज द पार्ट ए, ये क्या हुआ पार्ट ए वाई भी। चलो सेकंड, अब मैं जल्दी से सेकंड पार्ट पे चल रहा हूँ, पार्ट ए इज ओवर, ठीक है ना, इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं करना था इसमें, कहीं से भी बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था इसमें, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ही निकालना था बस। चलो लेकिन अब सेकेंड पार्ट में अब आते हैं,
सेकंड पार्ट में तो अब कहानी है। सेकंड पार्ट है स्टैंड, सिंगल कवर, देखना यहां पर सिंगल, मैं यहीं पर इसको क्वेश्चन को यहीं पर रख रहा हूं, ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट में, सिंगल कवर बट ज्वाइंट द कवर प्लेट बीइंग 10 mm, इस पार्ट पर आवार है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर पार्ट बी, पार्ट बी को मैं अब कवर कर रहा हूं। तो पार्ट बी में पहले तो हम फिगर को जरा देखें इसका, कि इसका फिगर कैसे बन रहा है। तो चलो देखते हैं, फिगर ही बनाते हैं पहले। ऐसा होगा, ये एक प्लेट और एक प्लेट बट ज्वाइंट है, इतना आप जानते हैं, ये हो गया, और सिंगल कवर लग रही है, ऐसा हो रहा है क्या, सिंगल कवर यूज। ओके, एक चीज और उसने कही है, माना सपोज दैट, अब हमें पता नहीं है कि कितना रिबेटिंग लगाया आपने, कोई बात नहीं, हमने रिबेटिंग ज़्यादा लगाने की कोशिश की है, डबल रिबेटिंग लगा दी है, सॉरी डबल बोल्टिंग कर दी है। लेकिन यहाँ पर जो है एक ये मेन प्लेट है, मेन प्लेट इसका थिकनेस मैं बोल दूँ T1, ये कितना दिया है 12 mm। ओके, ये वाला जो है ये आपका कवर प्लेट है, सिंगल कवर प्लेट है, क्वेश्चन को समझो, सिंगल कवर प्लेट है, तो कवर प्लेट एक ही है आपकी, तो कवर प्लेट आपका दिया है, इसका थिकनेस मान लो T2, और वो कम है इससे 10 mm दिया आपको, कहाँ दिया है ये देखो आप, 10 mm का थिक दिया है कवर प्लेट। ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन में स्टूडेंट, इन केस ऑफ, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अगर इतना पॉइंट जिसको पता है उसके लिए क्वेश्चन करना कुछ भी नहीं है, इन केस ऑफ सिंगल कवर बट ज्वाइंट बोल्ट आर इन सिंगल शेयर, खुद देखो आप, बोल्ट आर इन सिंगल शेयर, कैसे आप देख पा रहे हो कि अगर यहां पर लोड आ रहा है, इस लोडिंग के केवल एक ही रेजिस्टेंस है, इस लोडिंग के लिए केवल एक ही रेजिस्टेंस है जो कवर प्लेट देगा, ये जो देगा। ओके, ऐसे यहां पर देखो, इस साइड से अगर फोर्स आ रहा है तो इसके लिए भी रेजिस्टेंस यही देगा, तो मतलब कि कहां है आपका डबल शेयर, तो हो ही नहीं रहा है, सिंगल शेयरिंग है केवल। तो ये चीज तो ध्यान रखना हमेशा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट, जिन लोगों को ये पता था तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आता, कि सिंगल कवर प्लेट के लिए सिंगल शेयर में ही होता है आपका प्लेट, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या VDSB में चेंज होगा क्या, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, कुछ करने की जरूरत है आपको, मैं बिल्कुल ही मेहनत नहीं करूंगा, क्योंकि डिजाइन जब सिंगल स्टेयर में है तो आप जानते हैं कि FU/√3 γmB किया होगा आपने, NN किया होगा और ANB किया होगा प्लस NS किया होगा, ASB किया होगा, यहां पर ये टर्म्स जब जीरो हो गई क्या दिक्कत है, ANB तो आपने वही लिया होगा, फिर से π/4 ऑफ ASBD² D0 का स्क्वायर और 0.78, NN आपने 1 लिया होगा, तो सारा का सारा आंसर जो आएगा VDSB, जितने भी आपके तरीके हैं अभी जस्ट पहले जो आपने निकाला है, जो आपने लेब ज्वाइंट के लिए निकाला है, कितना निकाला था, कुछ अलग करेंगे हम, सारा रख दो, आप खुद रखना चाह रहे हो तो फिर से रख दो, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके जो आंसर आया था स्टैंड, ये होगा आपका कितना 45.278, मैं बिल्कुल इसमें मेहनत नहीं करूंगा, 45.272 था क्या किलो न्यूटन, क्यों नहीं की मैंने मेहनत, क्योंकि 72 था ये, तो ये क्योंकि आपका सेम का सेम आपका पहला वाला कंडीशन बन गया, जो नया अभी बनेगा वो बनेगा VDP के लिए, VDP के लिए, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड के लिए। तो फिर से मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, 2.5 ऑफ KBT इंटू डी इंटू FU अपॉन 1.25, ठीक है। यहां पर KB भी क्या सेम होगा, KB इज इक्वल टू 0.5 होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या क्या चीजें चेंज हो रही, केवल पिच था, एज डिस्टेंस था, आपके पास FU भी था और FU था, सब कोई सब की सेम है क्या, क्योंकि क्वेश्चन वही है आपका, सब कुछ सेम है तो 0.5 ही आएगा, आप खुद देखें। ओके, नेक्स्ट अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है स्टूडेंट, उस पर मैं बात करता हूँ, क्या चेंज होगा, वो थिकनेस पर चेंज हो रहा है। देखो कैसे, थिकनेस की बात करूं तो एक आपको थिकनेस दिख रहा है 12 का, और एक दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है आपको थिकनेस T1 और एक दिख रहा है T2, तो इनमें से मिनिमम, मैंने कहा ना कि मिनिमम थिकनेस लिया जाता है हमेशा, थिकनेस जो हम कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, तो वही मतलब है इसका। T1 मैंने कहा था आपको जो मेन प्लेट का था 12 mm था, और यहाँ पर T2 हो रहा था जो कवर प्लेट का 10 mm, जो नई चीज थी यही थी स्टूडेंट,
ठीक है, डी में कोई चेंज नहीं है, बोल्ट डायमीटर वही है। तो करते हैं स्टूडेंट क्या चीज आपने किया हो, 2.5 केबी का वैल्यू 0.5, टी का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा अभी 10, डायमीटर 20 का है, एफ यू क्या है, व्हाट इज द एफ यू, एफ यू सेम जैसे पहले लिखा आपने, बताओ जल्दी से आंसर करो स्टूडेंट, आंसर करेंगे जल्दी से, एफ यू क्या रख दिया था पहले यार, 410 ही था, इतना घबरा क्यों रहे, प्लेट का लिया था हमने पहले भी, अपॉन 1.25। तो बताइए इसका आंसर, व्हाट विल बी द डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ, दिस इज द 82 किलोन्यूटन, ये मेरे पास आंसर है स्टूडेंट, 82 किलोन्यूटन। तो टी मैंने क्या प्रोवाइड किया यहाँ पर, क्यों किया है ये आपको मैंने, यहीं पर नया कॉन्सेप्ट था, टी कैसे किया है, कैसे अलग आएगा, शेयरिंग में तो कहीं चेंज नहीं आएगा, सेम टू सेम लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर चेंज जो होके आगे, वहां पर 98 समथिंग था, यहाँ पर कितना हो गया ये 82 किलोन्यूटन हो गया। तो बताओ VDB, डिजाइन शेयर, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, दिस इज द मिनिमम ऑफ VDSB और VDPB। अब याद हो रहे हैं क्या फॉर्मूले, सर बिल्कुल ही, न्यूमेरिकल करने से अब याद हो रहे हैं हमको, मैंने झूठ नहीं कहा ये बात, ये सच्चाई है कि जितने आप न्यूमेरिकल करते हैं ना, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करो इस पर LSM में, क्योंकि बहुत लंबे लंबे न्यूमेरिकल भी हैं, सॉरी फॉर्मूले भी हैं, और कुछ अलग भी हैं, डिफरेंस भी है WSM से, तो जितने आप न्यूमेरिकल करो ना बहुत सारे, उतने आपको फॉर्मूले भी वो रिपीटेशन में याद होते रहते हैं, तो न्यूमेरिकल जरूर करो स्टूडेंट, डिजाइन के क्वेश्चन। तो VDB था आपका 45.278 VDSB, और ये हुआ आपका 80 किलोन्यूटन। फाइनली डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट विल बी 45.278 किलोन्यूटन। तो ये आपका फिर से बी पार्ट का आंसर भी क्लियर हो गया है, बी पार्ट का आंसर भी स्टूडेंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट कहानी जो अटकती है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट पर अटकती है कि थर्ड पार्ट में हम क्या करें, ठीक है ना, तीसरा पार्ट पर अब कहानी अटकती है, तीसरे पार्ट में मैं जल्दी से करता हूं स्टूडेंट, तीसरा पार्ट में भी आपको छोड़ना नहीं है, ये क्या होगा इसमें हल्का सा कॉन्सेप्ट तीसरे पार्ट में भी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन पूरा ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चलो चलते हैं इस पर भी तीसरे पार्ट में, ठीक है। पहला चीज तो तीसरे पार्ट में क्या नया है, डबल कवर बट ज्वाइंट है, तो मैं सी पार्ट को कवर करवा रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है, डबल कवर बट ज्वाइंट ईच ऑफ द कवर प्लेट 8 mm थिक, 8 mm की हर एक कवर प्लेट है, तो बना देते हैं फिगर को, इस पर मैं बात कर रहा हूं, मैं यहीं पर लिख देता हूं इसको पार्ट सी, ठीक है, पार्ट सी के मैं बात कर रहा हूं, ओके। तो डबल कवर आप जानते ही हैं कि ये होगा आपका ज्वाइंट, एक ज्वाइंट ये होगा, इसमें आपने कवर प्लेट ऐसा लगाई होगी, ये लगाई होगी, ठीक है, तो यहां बोल्टिंग की होगी ऐसा ऐसा, ये जो है आपकी 8 mm की है कवर प्लेट, ठीक है ना, 8 mm की, इसको T2 बोल दो कोई नहीं, ठीक है ना, ये भी आपकी 8 mm की है, ये मेन प्लेट जो है आपकी कितने का है, 12 mm का, इतना तो आपको पता है ना, दिख रहा है क्या सभी को, चलो ठीक है 12 mm हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैंड इस कंडीशन में, अभी सभी को पता है कि डबल कवर बट ज्वाइंट है, कितना शेयर देखने को मिल रहा है, ये हो गया, ये हो गया, एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया, ऐसे ये वाला जो फोर्स है इसके लिए कवर प्लेट यह है, तो दो रेजिस्टेंस, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बोल्ट आर इन डबल शेयर, बोल्ट आर इन डबल शेयर, बस ये चीज इंपॉर्टेंट था कि डबल शेयर में है, तो जब VDSB निकालेंगे आप, तो VDSB के लिए FUB अपॉन गामा, ठीक है ना, FUB अपॉन रूट थ्री इंटू 1.25, गामा MB का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, NN ANB प्लस NS ASB, यहां पर क्या क्या चीजें जीरो होती हैं, कुछ जीरो नहीं होता है, NN इज इक्वल टू जीरो, NNS इज इक्वल टू वन आल्सो, होता है क्या, चलो मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन पर, 400 आपका एफ यू बी गामा एम बी का वैल्यू रख दिया है, ओके, एन एन वन हो गया, जहां पर ए एन बी 0.78 टाइम्स ऑफ ए एस बी पाई बाई 4 ऑफ डी नॉट, डी नॉट का वैल्यू है 20 का स्क्वायर प्लस एन एस का वैल्यू फिर से 1 इंटू पाई बाई 4 ऑफ 20 का स्क्वायर, ASB का वैल्यू रखा है पाई बाई 4 ऑफ 20 का स्क्वायर, NS आपका 1 ही होता है इंटरसेप्टिंग द थ्रेड, और ANB का वैल्यू 0.78 टाइम्स ऑफ ASB, जहां पर 0.78 टाइम्स ऑफ कर दिया मैंने,
ओके, तो इसका आंसर बताओ जरा स्टूडेंट, इंटू 10^-3 कर देना, किलोमीटर में आ जाएगा। तो दिस इज द VDSB इज इक्वल टू, मेरे पास आंसर है स्टूडेंट इसका, ये हो जा रहा है 103.314 किलोन्यूटन, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका किलोन्यूटन। अब आते हैं फिर से कि VDB क्या होगा, VDP हाउ कैन यू फाइंड VDPB, तो VDPB के लिए फॉर्मूला 2.5 KBD इंटू टी इंटू FU अपॉन 1.25, जहां पर KB के लिए मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ E अपॉन 3D नॉट और P अपॉन 3D नॉट माइनस 0.25, और तीसरा चेक था FUB अपॉन FU, और एक लास्ट चेक था 1। ओके, तो यहां पर कैलकुलेट करके बताओ, सब कुछ आपको पता है, KB का वैल्यू में कोई चेंज आएगा क्या? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि KB का वैल्यू में कोई चेंज आएगा, क्योंकि KB में आपका सेक्शन सेम है, क्वेश्चन सेम है, मिनिमम पिच आपने वही मान रखा है, मिनिमम पिच वही मान रखा है, एज डिस्टेंस वही मान रखा है, FUB में कोई चेंज नहीं आया, FVI में कोई चेंज, FU है ये, FU में कोई चेंज नहीं आया, तो क्या आपका KB जो है फिर से वही हो गया 0.5। तो मैं डायरेक्टली अगर आपको देखा जाए FVDPV में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 2.5 0.5 डायमीटर और टी में चेंज आने वाला है, चेंज जो आएगा स्ट्रेंथ टी में आएगा। टी में क्या करते हैं, डबल कवर के केस में आपको क्या करना था, आपको समझा रखा मैंने आपको कि 2 times ऑफ कवर प्लेट, समीशन ऑफ कवर प्लेट थिकनेस, तो ये हो जाएगा T2 आपका 8 है तो ये हो गया 16, 8+8 किया आपने, इन दोनों को जोड़ देना पड़ता है ना, 8+8 ये कर दिया, और मेन प्लेट की कितनी है 12, तो इनमें से अब देखा जाता है मिनिमम, क्या देखा जाता है मिनिमम, तो कितना हो गया T = 12 mm, कितना हो गया T = 12 mm, क्लियर है? ये ऐसा नहीं लेना डायरेक्टली, कई लोग करते हैं कि डायरेक्टली जो मेन प्लेट है ऐसा दे दिया, ऐसा नहीं करना है कभी पाप, दोनों जो कवर प्लेट है इन दोनों का समीशन देखा जाता है, तो 16 हुआ और दूसरा प्लेट आपका मेन प्लेट से कंपेयर करेंगे, मिनिमम कौन है तो 12 mm रखोगे यहां पर थिकनेस। ओके, FU कितना है, 400 है क्या, सॉरी 410 है क्या, प्लेट का लेते हैं यहां पर अपॉन 1.25, तो ये तो पहले वाला एक केस वाला जैसे कंडीशन बन रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 98.4 किलोन्यूटन, दिस विल बी 98.4 किलोन्यूटन, दिस इज द VDPV। अब आते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ, VDP डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, मिनिमम VDSB VDPB याद हो गया अब मेरे को सारे फॉर्मूले, बोलेंगे सर सारे फॉर्मूले अब याद हो गए, इतना प्रैक्टिस हो गया है, इतनी बार हमने लिख दिया है, तो VDSB था आपका जो यहां से आया था, कितना आया था 103.314 किलोन्यूटन, यहां से ये हो गया 98.4 किलोन्यूटन, तो ये बियरिंग वाला भी आया आपका शेयर स्ट्रेंथ, तो ये हो गया 98.4 किलोन्यूटन आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन केस ऑफ द डबल कवर बट ज्वाइंट इज 98.4 किलोन्यूटन, कुछ था क्वेश्चन में, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, थ्योरी आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ी और समय लगाया है, तो आपके पास कुछ नया चीज नहीं, बहुत से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपने सीखे। देखो इस क्वेश्चन से क्यों मैंने इस सारा इतना कवर किया एक साथ ही, इस वाले चीज़ से आप सीखे थे कि थिकनेस कैसे रखते थे, इस वाले सीख से भी आप थिकनेस के लिए कॉन्सेप्ट समझे थे और सिंगल शेयर का केस भी समझे, इस वाले कॉन्सेप्ट से आप समझे कि थिकनेस कैसे रखा जाता है एक कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट कि ये डबल सीयर में जब रखते हैं तो उसमें फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से पूरा ग्रिप अप बन चुका है। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आपका डिजाइन स्ट्रेंथ का बाकी है, एक ब्लॉक सीयर का, क्योंकि ब्लॉक सीयर वाला केस पर आप अभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं, दूसरा कि जब प्लेट की स्ट्रेंथ पहले जब हमने फॉर्मूले को अप्लाई नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टियरिंग स्ट्रेंथ फेलियर नेट सेक्शन रप्चर वाले फॉर्मूले इनको भी अप्लाई कराना कैसे सीखेंगे हम, वो हम कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में इतना ही इसको रिवाइज करते हैं हम, उसके बाद कि टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट प्ले कहाँ पर बात करेंगे, उस बेस का हम फॉर्मूला बनाएंगे आपके लिए, कहाँ पर यूज़ करेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स के लिए। तो मतलब कि अभी आपके 2 कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बचे हुए हैं बोल्ट में, 2 क्वेश्चन जब आपके हो जाए, एक ब्लॉक शेयर वाला और एक टोटली स्ट्रेंथ जब बात करते हैं प्लेट की भी और बोर्ड की, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आएंगे स्टूडेंट आपका टेंसाइल मेंबर में,
यहाँ पर बोर्ड कनेक्शन, सारा का सारा कनेक्शन स्टूडेंट हमारा खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। जीरो से टॉप लेवल किसी भी एग्जाम की बात करें, आप खुद भी देख रहे हैं, कहीं से भी बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए, हमारा स्लॉट समय समाप्ति पर है, जिस वजह से हम नेक्स्ट क्लास चलेंगे अब आगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट यहाँ पर बने रहने के लिए, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।